हरियाणा उत्सव के संस्थापक रवि नारंग की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी याद में हरियाणा उत्सव और उनके परिवार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी रक्तदान करके पुण्य कमाया। पत्रकार रवि नारंग को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि रवि नारंग बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के पत्रकार थे। उनकी मिलनसार छवि और सकारात्मक सोच को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही रवि नारंग हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी याद सदा जीवित रहेगी। शिविर में रवि नारंग की पत्नी नीतू नारंग और बड़े भाई मदन नारंग के साथ सत्येंद्र नारंग ने भी रक्तदान किया। शिविर में आए हुए मेहमानों में बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर कपूर नरवाल, पूर्व मंत्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा, इनेलो हल्का प्रधान जोगिंदर मलिक और ओम प्रकाश गोयल, पूर्व चेयरमैन सुनील मेहता, पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, गुहाना बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट वीरेंद्र सिंह, जाट महासभा के प्रधान विनोद सहरावत, पूर्व चेयरमैन आजाद मलिक, वाइस चेयरपर्सन राजपाला मलिक, हरी फैशन इंस्टीट्यूट की संचालिका ज्योति गर्ग, समाजसेवी बलजीत दांगी, रिटायर्ड एसई विजय कत्याल, जय बालाजी एकेडमी के संचालक नवीन हुड्डा, पार्षद अंजू कालड़ा, रमेश पुरुथी, सुनील राजपाल, जतीश कपूर, नगर गांव के सरपंच जस्सी खुराना, डॉक्टर संदीप सेतिया, डॉक्टर प्रदीप खनिजो, संतराम वाल्मीकि आदि ने पुष्प अर्पित करके पत्रकार रवि नारंग को श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना जो है पुलिस चौकी के सामने मौजूद, और यहां पर जो है आज हरियाणा उत्सव के जो संस्थापक हैं रवि नारंग, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और यहां पर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, सबसे पहले वाइस चेयरपर्सन है राजपाल मलिक हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो है रवि नारंग की दूसरी पुण्यतिथि? रवि नारंग एक समाज में घुल मिल कर रहता था। वह बहुत ही साफ आत्मा का लड़का था। जहाँ भी मिलता था बड़े प्रेम भाव से आदर करता था। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि नारंग परिवार को दुख बुलाने की शक्ति प्रदान करें। मलिक साहब, आप भी दो शब्द बोलना चाहेंगे? मतलब इतनी सी थोड़ी सी उम्र में इतना ऊपर जाना, दुख में सुख में जी, पत्रकार में मैंने तो शहर में दो ही देखे हैं बच्चे जो इतनी उम्र में इतना नाम कमा। एक तो यो विजय कतला का भाई था, जो टिट्टू था, उसका भी बहुत नाम था शहर में। उसके बाद इसका भी बहुत बहुत बड़ा नाम रहा। और अगर उसकी भगवान की भाई इच्छा ही थी इतनी, अगर कुछ होता तो मेरे ख्याल में शहर का लिए बहुत होता। एस पी दौरा, डी सी दौरा जाना, सब के काम करवाना, बहुत बढ़िया बच्चा था। बलजीत दांगी है, समाज सेवी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप भी पहुंचे हैं। रवि नारंग जी बहुत अच्छे इंसान भी थे और बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। हमने तो जब भी फोन करा तो एक मिनट में मेरे पास खड़े पा करते, तो मैं तो उनकी बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता था जब भी। और अब कहते हुए परमात्मा से हम तो यही दुआ करते हैं उनको भाई अपने चरणों में अच्छी तरह स्थान दे और उनको शांति दे, मतलब परिवार को भी सद्बुद्धि शांति दे। सेतिया नर्सिंग होम से डॉक्टर संदीप सेतिया, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, रवि नारंग जो है बहुत ही छोटी उम्र में उस बच्चे ने इतनी साक्षियत, इतना नाम कमाया कि चारों तरफ सोशल एक्टिव, जहाँ भी जाओ किसी का कोई काम नहीं रुकने देना, समाज के अंदर उसने बहुत ही अच्छी इज्जत कमाई। और छोटी सी उम्र में ही परमात्मा ने उसको कोविड के अंदर उसको ले लिया, अनटाइमली डेथ हो गई उसकी छोटे बच्चे की। लेकिन उस बच्चे ने सारी उम्र ही जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका साथ दिया, सामाजिक रहे, सोशल रहे, और हर सुख दुख में वो आते जाते थे। हर एक उनका नाम जो है परमात्मा करे अमर रहे, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि उस बच्चे को अपने चरणों में स्थान दे। और जो आपने आज ये रक्त दिवस लगाया है उसकी दूसरी पुण्यतिथि है, और दूसरे पुण्यतिथि के अंदर सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। एक याद करने का तरीका होता है बच्चे का, और जो हम उसको याद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको परमपिता परमात्मा को उसको अपने चरणों में स्थान दे, ताकि परिवार भी सारा आया हुआ है,
और सारे लोग, सारे सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए हुए हैं उसकी याद के लिए, और परमात्मा करे उसको अपने चरणों में स्थान दे, और पीछे परिवार के साथ और आप लोग जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सभी बंधु हैं उसके साथ, उसकी यादें ताज़ा हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इनेलो के जो है अलका प्रधान हैं ओम प्रकाश गोयल जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी पहुँचे हैं रवि नारंग की याद में। सबसे पहले हम आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और रवि नारंग जी जैसे मुझसे पहले भी सभी वक्ताओं ने बताया कि वो एक पत्रकार ही नहीं, एक मानवता के भी परिचायक थे। उन्होंने कभी भी पत्रकारिता को एक तरफ नहीं तोला, उन्होंने साथ में लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा। वो जब भी किसी भी पत्रकार साथी का कोई काम होता था या आम जनता का काम होता था, उसे सहयोग करते थे, और इसीलिए आज हम सब साथी, सभी संगठन, सभी पार्टियों के लोग उनकी पुण्यतिथि के ऊपर एकत्रित हुए हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये जो कार्य किया जा रहा है रक्तदान का, एक ये बहुत बड़ा कार्य है जो इसी बात का परिचायक है कि उनके आने वाले वंशज भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अच्छा काम करते हैं। एक कहावत है, कहते हैं कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान। उस इस कहावत को चरितार्थ करते हुए आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम सब आपके भी आभारी हैं। और आज फिर हम सब साथी रवि नारंग जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनका परिवार उनके पद चिन्हों पर चलता हुआ आगे बढ़े। सर आप भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? रवि नारंग बहुत ही अच्छे मिलनसार और मधुरभाषी आदमी थे और मेरे तो साथी रहे हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लिया, दीन दुखियों की मदद करी उन्होंने, एक जागरूक पत्रकार होने नाते उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। और जो उसकी दूसरी पुण्यतिथि पर रवि नारंग की दूसरी पुण्यतिथि पर जो रक्तदान किया शिविर लगाया गया उसके लिए आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जस्सी भाई क्या कहना चाहोगे, आज जो है रवि नारंग की याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। आज उसके पुण्यतिथि तो मना रहे हैं हम, लेकिन वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। उस जैसा इंसान शायद हमारे सर्कल में, साफ दिल, नेक दिल, हर समय सामाजिक कामों के लिए आगे रहना। हमें जब भी कोई कंप्लेंट होती थी किसी ऑफिसर से या किसी राजनीतिक से, हम उसको बोलते थे रवि भाई डालना हरियाणा उत्सव में, तो हमेशा वो तत्पर रहते थे। 24 घंटे किसी भी समय हम फोन करते थे, बिल्कुल तैयार रहते थे। कांग्रेस नेता डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी पहुंचे हैं, सर आज रवि नारंग की जो है दूसरी पुण्यतिथि है और ब्लड डोनेशन कैंप लगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं, मेरे छोटे भाई थे रवि नारंग, बहुत ही अट्रैक्टिव मिजाज के थे और बहुत मतलब इंटेलिजेंट आदमी थे। सबसे पहले तो मैं इनको सच्ची श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करता हूं, और मैं आप लोगों से भी और सभी जो गोहानावासी हैं, मैं ये कहता हूं कि हर साल भाई नारंग की याद में कोई न कोई सामाजिक कार्य करना चाहिए। समाज सेवी और पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया जी पहुंचे थे, सब क्या कहना चाहोगे आप? मैं सबसे पहले तो जो हमारे छोटे भाई और मेरे बहुत ही नज़दीक रहे हैं, काफ़ी मैंने इनको नज़दीक से देखा है, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी वो हों भगवान उनको अच्छे से अच्छा स्थान दे। और आप लोगों ने जो ये कैंप लगाया आज, इसके लिए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि भाई हमारा एक प्रिय था उसकी याद में, आप सब लोगों का जो प्रिय था उसकी याद में आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, और ऐसे शुभ कार्य ऐसे अच्छे आदमियों की याद में करते रहना चाहिए। वो हमारे बीच से बहुत जल्दी चले गए हैं, उस बात का हमें सबको दुख भी है, और सामाजिक काम आप लोगों को बढ़ चढ़ के करना चाहिए और समाज में हिस्सेदारी रखनी चाहिए, और ऐसे होनहार आदमियों की याद में तो विशेष तौर से प्रोग्राम होने चाहिए। जय बालाजी स्पोर्ट्स अकेडमी है, नवीन हुड्डा जी सर, आप भी दो शब्द नवीन भाई साहब, जो भाई रवि नारंग आज हमारे बीच नहीं रहे, हम भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान हमारे बड़े भाई को आत्मा को शांति दे, उनको अपने श्री चरणों में बनाकर रखें। बरोदा हलका प्रधान इनेलो से जोगिंदर मलिक भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी जो है श्रद्धांजलि दी है, सर क्या कहना चाहेंगे रवि नारंग जी के बारे में? कि रवि नारंग जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, अगर हम बात करें पत्रकारिता के हिसाब से बहुत एक निष्पक्ष पत्रकार थे। वो खूबी सरकार के खिलाफ जो भी नीतियाँ होती थी, खिलाफ जो नीतियाँ नीतियाँ होती थी उनको बुक्की उठाने का काम करते थे, हमेशा अपनी कलम से किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी की
आवाज़ को बुलंद करने का काम रवि नारंग जी ने किया। तो हम उनको आज शत शत नमन करने आए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को सुख शांति बनाए रखें और जैसा कि उनके बच्चे परिवार में सुख शांति रहेगी और हमेशा हम भी तन मन धन के साथ उनके साथ आगे खड़े रहेंगे जी। हरी फैशन से ज्योति मैम पहुंची हैं। मैम आज जो है रवि नारंग की दूसरी पुण्यतिथि है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, आप भी दो शब्द बोलना चाहेंगे। रवि नारंग भैया से मैं पहले मिली हुई हूँ, भैया हमारे इंस्टीट्यूट पे आए हुए हैं इंटरव्यू लेने, बहुत अच्छे हैं भैया। और आज ये सब ब्लड कैंप वगैरह आप सबने जो अरेंजमेंट किया हुआ है ब्लड कैंप का, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सच बताऊँ तो फर्स्ट टाइम ही देखा है, पहले कभी देखा ही नहीं। और मैं कहना चाहूँगी भैया को मतलब बहुत अच्छा कैंप, किसी का किसी को ब्लड देना उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान उनके फैमिली वालों को हिम्मत भी दें। कांग्रेसी नेता जीता हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब आज जो है रवि नारंग के लिए याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, क्या कहना चाहेंगे? रवि नारंग जी की जो पुण्यतिथि पर सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। नारंग साहब बहुत अच्छे पत्रकार थे, बड़े समाज सेवक थे। कोरोना में जो उनकी मृत्यु हुई उससे समाज में बड़ा आघात हुआ, बड़ा दुख हुआ और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि रवि नारंग के परिवार को के हाथ मजबूत रखे, भगवान जी उनको आशीर्वाद देता रहे। और मैं दोबारा फिर नारंग साहब की पुण्यतिथि पर उनको नमस्कार करता हूँ। गोहाना बार के प्रधान एडवोकेट वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर आप भी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। सभी को नमस्कार। जो हमारे साथी रहे रवि नारंग जी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। रवि नारंग जी एक पत्रकार न होकर गोहाने के एक अच्छे इंसान भी थे, जो बहुत सोबर और अच्छी व्यवहार रखते थे, सभी के साथ उनका अच्छा व्यवहार था और समाज सेवा के लिए अच्छा कार्य करते थे। पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील राजपाल और इनकी मैडम पार्षद हैं। सर आप भी दो शब्द बोलना चाहेंगे। हाँ जी, मैं भाई रवि नारंग जी जो सभी गोहाना वासियों शहर वासियों को छोड़कर जो प्रभु के चरणों में लीन हो चुके हैं, उनके जाने से जो क्षति समाज को हुई है उस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, परंतु भगवान को हम यही कहेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके पीछे जो परिवार को और समाज को क्षति हुई है उसे पूरा करने में सहायता करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि रवि नारंग जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि कोरोना में इनकी मृत्यु हो गई है, सभी को इतना आघात पहुँचा है, सभी बड़े दुखी हैं, दुखी हुए। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि भगवान उन्हें अपनी उन्हें अच्छी श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। रमेश परूथी भी जो है पार्षद हैं शहर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप भी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। मैं रवि नारंग जी को यह श्रद्धांजलि देने पहुँचा हूँ। वो बहुत सज्जन इंसान थे और हमारे रेडीमेड में भी उनका योगदान रहा, वहाँ भी उन्होंने जो हमारे सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाजपा जिला अध्यक्ष तीरथ राणा भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। सर आज रवि नारंग की याद में जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भाई को, रवि नारंग हमारा साथी था और शहर में पत्रकारिता करते थे लंबे समय से, सबसे अच्छा जुड़ाव भी था और इसी को देखते हुए सभी साथियों ने आप सब ने जो ये एक मुहिम चलाई, पिछले साल भी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था, अब फिर दोबारा लगवाया और मैंने अब देखा तो मैं बस में भी गया तो एक साथी करनाल से भी आया है। तो आप सबको मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आपने अच्छी पहल की, रवि नारंग जी हमारे बीच में साथी थे, पत्रकार थे और उस पहल को आपने बढ़ाया और समाज में मैसेज भी देने का काम किया। तो मैं भाई की पुण्यतिथि पर जो ये शुभ कार्य आपने किया है और श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो भी अपने ब्लड डोनेशन देने आए हैं। इसमें कुछ ही गौर जी ने बताई थी, अभी बहुत सी लड़कियां भी आई थी, मैं आपकी प्रेस के माध्यम से मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि उनमें चेक किया तो 10-11 लड़कियां थी, उनमें सभी में खून की कमी थी, हीमोग्लोबिन की कमी थी। अक्सर देखने को मिल रहा है कि हमारी बहनों में माताओं में तो कहीं ना कहीं जो ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, हमारा कहीं ना कहीं खान पान अच्छा नहीं रह पा रहा है। तो अच्छे से दूध पिएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खाना अच्छा रखें और समाज में अवेयरनेस एक आपने भी मीडिया के माध्यम से भी ऐसे चलानी चाहिए कि हमारी माताएं बहनें इस
रूप में जागरूक हों और अपना अच्छा इसको बनाने के लिए हेल्दी खाना जरूर लें। गोवाना नई अनाज मंडी के प्रधान और जाट महासभा के प्रधान विनोद सहरावत भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर रवि नारंग को याद किया गया? देखो जी, ये आत्मा जो है कोरोना टाइम में जो महामारी बीमारी में हमारे भाई रवि नारंग की जो टाइम पूरा हो गया था, शरीर पूरा हो गया, बहुत समाज सेवी रे, इतना बढ़िया लड़का था रवि, सबसे मिलने जुलने वाला और सबसे, आज इसकी याद में यो काम कराया गया था, बहुत बड़ा काम है और बहुत बढ़िया काम है, इसलिए हमें इसका मौका मिल गया इसको याद करने का और बहुत सराहना करते हैं, धन्यवाद। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव बरोदा हल्का से पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक भी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। सर आज रवि नारंग को याद किया जा रहा है, क्या कहोगे? देखिए, रवि नारंग गोहाना में एक जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके एक मजबूत पिलर थे और उनका अतुलनीय योगदान रहा है पत्रकारिता में, और आज जो तिथि पर जो आप लोगों ने आज उनको याद किया है, इसलिए हम भी उनकी पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो रास्ता दिखा गए हैं कि निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का, हम कामना करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से पत्रकारिता के मार्ग पर जो उन्होंने मार्ग दिखाया था उस पर चलते हुए एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम आज के वर्तमान युवा पीढ़ी के पत्रकार बंधु करें, यही हमारी उनकी पुण्यतिथि पर कामना है सभी पत्रकार बंधुओं से कि ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके दिखाए मार्ग पर चले। ऐसे है जी कि मैं अभी साथ भाई बैठे थे, मैं यही शेयर कर रहा था भाई, गोहाना में पता नहीं कितने इस तरह के कुछ पुण्य अर्जित किए हुए हैं कि गोहाना में दो डोनेशंस बड़ी लीडिंग है, मतलब ब्लड डोनेशन भी और आई डोनेशन भी, और अभी पीछे मेरे एक नॉलेज में आया था किसी ने बॉडी डोनेट भी की है, एक केस मेरे नॉलेज में। तो कहने का मतलब है जी कि असल में ब्लड की कीमत तब बढ़ जाती है जब, पुरानी बात है, मेरे छोटे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था, मुझे याद है कि कैसे मेडिकल कॉलेज में ब्लड के लिए इधर उधर फिरे थे, मतलब और रेडी आपके लिए पहले ही अरेंजमेंट हो ब्लड का, किसी को जरूरत पड़ने पे अवेलेबल हो जाए, इससे जीवन दान वाली बात। और दूसरा रवि को तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक बार 33,000 वोल्ट का 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसने तो मेरे लिए ब्लड डोनेट कर रखा है बोलो, और जब भी मिलना होता था कि बड़ा बड़ा कॉर्डियल और बड़ा मतलब ऐसा ही होता, मुँह से फूल गिरते थे जब बोलता बस, लेकिन विधि का विधान है जी परमात्मा, और ये आपने इस तरह का करके हर साल उसकी उसमें करते हो, बड़ा ही नेक कार्य है।